क्या हम इस तरह इन छोटी छोटी बातों से कोई संदेश लेना पसंद नहीं करेंगे? मैं सोचता हूं कि मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। ईश वंदना की एक और घटना वर्णी जी के जीवन के आपको सुनाऊं और अपनी बात यहीं पर आज अपन विश्राम करते हैं। कैसी वंदना होनी चाहिए? ये वंदना तो वैसी हो गई कि प्रार्थना भी करी और हमने ठीक ढंग से नहीं करी तो उसका हमको बेनिफिट नहीं मिला। और वर्णी जी के जीवन की घटना कि सचमुच परिणामों की निर्मलता अगर भगवान की पूजा से मिलती है तो हमारा ध्येय तो वही है, परिणाम निर्मल हो, बुद्धि निर्मल हो, शरीर निर्मल हो, ये तीनों की निर्मलता हमें प्राप्त करने के लिए हमेशा और अपने ही, दूसरे के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्या हुआ, वो नीमिया घाट से वंदना होती है शिखर जी की, वो 36 मील वाली, जिसमें कि पूरी शिखर जी के पहाड़ की वंदना होती है। वर्णी जी ने वो वंदना शुरू की। अब उसमें तो दो दो दिन लग जाते हैं, तो वो वंदना करके और थके हारे उपवास तो था ही, थके हारे दूसरे दिन कड़ी दोपहर में धूप में और वंदना पूरी करने करने को है, लेकिन अब सहा नहीं जाता, बहुत प्यास लगी हुई है। कहीं पानी मिल जाता तो प्यास बुझा लेते, एक दो किलोमीटर और रह गया है, उतना भी चलना बहुत मुश्किल हो गया। लिखा उन्होंने संस्मरण में कि मेरे प्राण उस समय कंठगत हो गए थे, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता था। उन्होंने मन ही मन भगवान से क्या प्रार्थना करी कि हे पारसनाथ, आपके चरणों में मैं आया हूं और आप जानते हो मैं जैनी नहीं हूं, मैंने बहुत श्रद्धा पूर्वक आपकी शरण स्वीकार करी है और कदाचित आपकी वंदना करते करते मेरे प्राण निकल गए तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका, बदनामी होगी आपकी। ऐसी प्रार्थना देखो आप।